एप्पल, फेसबुक, अमेजोन, गूगल, टेस्ला एक तरफ, और दूसरी तरफ आप कंपनीज देख रहे हो जॉनसन एंड जॉनसन, कोको कोला, पीएनजी, आईबीएम, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल मोटर्स। क्या है इन दोनों कंपनियों में सबसे बड़ा फर्क? सर, एक तरफ आपको कंपनी दिख रही है जो रेगुलरली पे करती है डिविडेंड्स, दीज आर कंपनीज, और दूसरी तरफ ये कंपनीज है जो डिविडेंड नहीं पे करती। नो वंडर ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज होने के बावजूद इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ कंपनीज पे करती है, कुछ नहीं करती है। That is what my today's topic is, dividend policy, and my name is Kunal Doshi. By profession, I am chartered financial analyst. Welcome everyone to my online sessions. So our today's session is with regards to dividend policy. क्या होना चाहिए कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी? सबसे पहले पॉलिसी होना जरूरी है, येस, क्योंकि शेयर होल्डर्स उनके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या? इट इज डिफाइंड एज अ पॉलिसी ऑफ कंपनी विद रिगार्ड्स टू पेइंग आउट अर्निंग्स टू द शेयर होल्डर्स इंस्टेड ऑफ रिटेनिंग देम टू बी रीइन्वेस्टेड इन अ कंपनी। सर, इसका मतलब क्या है कि हर कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करती है, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहती है या नहीं करना चाहती, और करे तो कितना करे, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है या नहीं करना है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉल बिटवीन टू थिंग्स। व्हाट टू थिंग्स? दे पे आउट डिविडेंड और दे रिटेन, दे फॉल बिटवीन टू। मतलब वो कुछ हिस्सा अपने अर्निंग्स का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और कुछ एक हिस्सा रिटेन करती है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फ्यूचर केपेक्स के लिए। सो सर, इन रियलिटी कंपनी ने अपने अर्निंग्स का कितना हिस्सा डिविडेंड देना चाहिए, इसके ऊपर कोई रैंडम पॉलिसी या रैंडम डिसीजन ना होने के अलावा, इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क या स्टैंडर्ड पॉलिसी होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू कितना डिविडेंड पे करना है या नहीं करना है। सो अपना टॉपिक उसी रिगार्ड्स टू है कि हर कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड पॉलिसी होता है डिविडेंड पे करना है या नहीं करना है, उस रिगार्ड्स कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी क्या होना चाहिए। सर, ये डिविडेंड पॉलिसी आपका जो भी हो वो चार क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो आपका अर्निंग्स है उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना करना है, उसके पहले भी द क्वेश्चन दैट आई रिपीटेड कि क्या करना भी है या नहीं। जैसे अभी हम लोग ने देखा एप्पल, गूगल, दे डोंट गिव डिविडेंड्स। एप्पल विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, $150 बिलियन उसके बुक्स में कैश होने के बावजूद वो डिविडेंड नहीं पे करता है शेयर होल्डर्स को, और कुछ कंपनी ऑन दी अदर एंड रेगुलरली डिविडेंड पे करती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये एड्रेस करना है कि आपको डिविडेंड देना है या नहीं देना है। सर, इसका आपकी कंपनी के ऊपर तो इम्पैक्ट होगा ही, और शेयर होल्डर के परसेप्शन पे, शेयर होल्डर के वैल्यूएशन में भी, उनके कैश फ्लो में भी इम्पैक्ट होगा। इसीलिए कंपनी को सोच समझ के कॉल लेना है कि उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर करना है तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर, ये जो डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो वो क्या फॉर्म में होना चाहिए, what form the distribution should be made. Two major forms, guys, there are two major forms of dividend which we'll discuss in the later on part, that is cash dividend and stock dividend. Before that, let me come back to the point that do you want to distribute dividends, and if yes, in what form, cash or stock dividend? We'll come to that point. Now, since dividend are declared from the earnings that you generate, आप जो profits कमाते हो उसमें से dividend दिया जाता है, तो ये भी आपको shareholder को और आपको ये जानना जरूरी है कि ये dividend आपके earnings का कितना प्रतिशत है। इसके रिगार्ड्स भी आपका पॉलिसी होना जरूरी है। डिविडेंड्स आपके अर्निंग का कितना प्रोपोर्शन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। बेसिकली डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज डीपीएस अपॉन ईपीएस, कितना अर्निंग्स में से आपने बेसिकली अर्निंग में से कितना डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड, और बाकी का आपने रिटेन किया। सो दैट इज द अदर पार्ट इज रिटेंशन रेशियो। शेयर होल्डर ये जरूर देखता है कि कंपनी कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अर्निंग्स की। ये कभी कभार कंपनी क्या हो सकता है सर, कभी कभार कंपनी अर्निंग्स का 20% डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कभी 50, कभी 60, कभी 70, कभी 10%, या कभी नहीं भी करती है। ये कंपनी के करंट स्टेटस पे डिपेंड करता है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि कंपनी को अगर कोई फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो शायद वो डिविडेंड ना डिक्लेयर करके ज़्यादा अमाउंट रिटेन करे, और अगर कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है और कैश पड़ा हुआ है, जैसे कि एप्पल के केस में हुआ, तो शेयर होल्डर्स आपको फोर्स करेंगे कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। सो कंपनी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिसाइड करती है कि डिविडेंड देना है नहीं देना है, अर्निंग्स का कितना प्रपोर्शन देना है। लेकिन शेयर होल्डर जब इन्वेस्ट करने जाता है तो कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखता है, सिर्फ ना कि लास्ट ईयर का बट मल्टीपल ईयर्स का, कंसीडर 5 to 10 years का। उस केस में शेयर होल्डर क्या करता है, शेयर होल्डर एवरेज पे आउट पॉलिसी निकालता है। इसके तहत कंपनी को ये भी डिसाइड करना है कि उनका लॉन्ग टर्म पे आउट पॉलिसी क्या है, जो शेयर होल्डर जिसके ऊपर बेसिस बनाएगा कि मेरे को कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सो फोर मेजर थिंग्स दैट कंपनीज हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन दे यू नो फ्रेम अप द डिविडेंड पॉलिसी इज दैट, फर्स्ट, हाउ मच डू दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इन व्हाट फॉर्म, इन व्हाट फॉर्म, दैट इज व्हाट विल कम लेटर ऑन, एंड व्हाट शुड बी इट्स रिलेशनशिप टू द अर्निंग्स, अर्निंग्स का वो कितना प्रतिशत होना चाहिए, एंड उनका लॉन्ग टर्म एवरेज पे आउट पॉलिसी क्या होना चाहिए।
नाउ ये चारों क्वेश्चन को एड्रेस करके ही आप कंपनी का स्टैंडर्ड डिविडेंड फ्रेमवर्क बनाओगे, जो आप और आपके बाद का मैनेजमेंट जो है वो इसको फॉलो करेगा। हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड पॉलिसी होता है। ये दो फॉर्म्स में जो डिविडेंड होना चाहिए, जो मैंने पहले डिस्कशन किया, क्या है दो फॉर्म सर? एक होता है कैश डिविडेंड, दूसरा होता है स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड जिसे आप और मैं ज़्यादातर वाकिफ है सर, कैश डिविडेंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? इट इज़ एन अमाउंट दैट ऑफ कैश दैट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द शेयर होल्डर्स अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली इन टूडेज वर्ल्ड। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली? कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड एंड दैट अमाउंट इज क्रेडिटेड इन टू योर अकाउंट। नाउ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड एट अ पर्टिकुलर डेट, दैट इज द डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, एंड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिकॉर्ड डेट, उस दिन पे आपको डिविडेंड मिल जाता है। लेकिन देयर इज अ कैच, क्या होता है सर? आपका कंपनी का शेयर प्राइस डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अगर 100 रुपी था और अगर कंपनी ने 5 रुपी डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो ये 5 रुपी तो आपके जेब में आ जाता है, बट उसी के साथ शेयर होल्डर का आपका जो वैल्यू है शेयर प्राइस वो करेक्ट होकर 95 हो जाता है। वाई? इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, द इम्पैक्ट ऑफ कैश एंड स्टॉक डिविडेंड। बट जस्ट अ स्नैपशॉट सर, डिविडेंड इज नथिंग बट योर मनी बैक टू यू। इससे क्या होता है सर, आप ही के 100 रुपी के शेयर होल्डर फंड में से मैं आपको 5 रुपी डिविडेंड दे रहा हूँ, तो 5 रुपी तो आपके वॉलेट में चले गया, लेकिन सर आपका शेयर वैल्यू 95 हो जाता है इमीजिएटली। इमीजिएटली मतलब जिस दिन पे भी डिविडेंड आप एलिजिबल हो जाते हो, दैट इज एक्स डिविडेंड डे के बाद शेयर होल्डर का प्राइस ऑटो करेक्ट हो जाता है। सो ये फैक्टरिंग करना जरूरी है। दैट इज द कैच विथ कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड में क्या होता है सर, कैश डिविडेंड में शेयर होल्डर का वैल्यू उतना ही रहता है, शेयर होल्डर के अकाउंट से निकल के, मतलब कंपनी के अकाउंट से निकल के शेयर होल्डर के अकाउंट में आ जाता है। कैश डिविडेंड के अलावा दूसरा एक डिविडेंड होता है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड जिसको हम लोग इंडिया में प्यार से बोनस कहते हैं। स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है सर, स्टॉक डिविडेंड में कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू करता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 1:1 का रेशियो डिसाइड किया, मतलब वो पर शेयर पे हर एक शेयर जो आपके पास है उसके ऊपर एक और शेयर एज डिविडेंड देगा। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना, इट्स अ फ्री थिंग दैट इज गिवन टू यू। हालांकि इट सीम्स फ्री बट इट इज नॉट फ्री। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि सर आपके पास पहले 100 रुपी का अगर एक शेयर था, अभी आपके पास 1:1 के रेशो के तहत दो शेयर जरूर हो गए, लेकिन इसके साथ ही शेयर प्राइस भी करेक्ट हो जाता है इन अ वे कि आपका शेयर होल्डर फंड 100 का 100 ही रहे। दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। सो बेसिकली शेयर होल्डर फंड उतना ही रहता है, लेकिन आपके अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और प्राइस अपने आप ही करेक्ट हो जाता है। सो इन बोथ द केसेस प्राइस डू करेक्ट, लेकिन सर कैश डिविडेंड के केस में कंपनी के अकाउंट से वो पैसा निकल जाता है, लेकिन स्टॉक डिविडेंड के केस में कंपनी के अकाउंट में ही पैसा रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं लेकिन शेयर प्राइस करेक्ट होकर मार्केट वैल्यू उतना ही रहता है। दैट इज वॉट, और इसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैश डिविडेंड करने का, स्टॉक डिविडेंड करने का कंपनी ने क्या करने का, वो डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पे कि कंपनी को इसका इंपैक्ट क्या होता है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन सर आप कैश दो या स्टॉक डिविडेंड दो, कंपनी का मेजर पर्पस क्या है? कंपनी का मेजर पर्पस बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट कंपनी जो भी पैसा कमा रहा है वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहता है। कंपनीज डू वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, डू वॉन्ट्स टू यू नो द मेजर पर्पस बिहाइंड द कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन इज टू शेयर द वेल्थ ऑफ द कंपनी विद इट्स शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के साथ अपना कमाया हुआ पैसा वो शेयर करना चाहता है, इसी के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम लोग कहते हैं कि कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इधर नॉट कैश बट स्टॉक के फॉर्म में भी करना चाहिए। बट देर इज अ क्वेश्चन दैट कंपनीज क्यों नहीं पे करती और इसके पीछे कंपनी का क्या कारण होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे इन डिटेल में। सो दैट इज व्हाट इज कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी। बट कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी में डिविडेंड करो या नहीं करो सर, ये चार चीजें जरूर होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होना जरूरी है ताकि कंपनी के शेयर होल्डर्स उनके उस बेसिस के ऊपर दे कैन परहैप्स यू नो कम अप टू अ डिसीजन वेदर दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट और नॉट। दैट इज वॉट डिविडेंड पॉलिसी इज। सो थैंक यू सो मच फॉर यू नो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड अपॉर्चुनिटी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू यू नो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर कमेंट और फीडबैक कीजिए, और एज माई प्रोफेशन इज CFA एंड आई डू टीच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड CFA एंड FRM स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, एंड आई कीप शेयरिंग एंड पोस्टिंग वीडियोज विद रिगार्ड्स टू दिस थिंग। If you have any request, if अगर आपको आपके दिमाग में कोई सुझाव है with regards to any concept or anything, you all can post that in the comment in the link below, and you all can ask me for any doubts or anything at the particular link, and I will be much happier to share the video with regards to the same. Thank you once again and have a nice day. Thank you.